कितना स्पेशल कितना प्राउड फील करते हैं आप, पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिए आप। जी मैं हूँ अक्षय समजिस्कर, ये पूनम समजिस्कर। तो मैं बचपन से ही डांस का शौक था मुझे, और बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं अपना एक डांस क्लास खोलूं, सबको सिखाऊं, जो मेरे अंदर टैलेंट है वो मैं सबको शेयर करूं। तो बचपन से मैं डांस कर रहा था, फिर बड़ा होकर फिर मैंने सोचा अपना डांस क्लास खोलूं। फिर मेरे 9 साल हो गए आज देखते देखते, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपना खुद का डांस क्लास ओपन किया है, और इतने सारे लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए जो बहुत सारा प्यार करते हैं मेरे साथ में। तो बहुत अच्छा लग रहा है, स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल हुआ, लेकिन अब धीरे धीरे अच्छी बहुत सारी कामयाबी मिल रही है, आप सब लोगों का प्यार है, और वैसे ही मैडम ने भी मेरा बहुत साथ दिया पूरे जर्नी में मेरे साथ में। तो मैडम जी आप कुछ बताइए। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि MJ डांस अकेडमी हम दोनों का एक ड्रीम था कि हम साथ में इस तरह बढ़े, और थैंक्स टू ऑल कि हमें इतना आगे बढ़ाने के लिए, हमें इतना सपोर्ट करने के लिए। बहुत लोग हैं हमारे साथ में कि जिन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, ऐसे नाम लिया जाए तो बहुत ज़्यादा ही नाम हो जाएगा, तो इसलिए बस सब इसी तरह हमेशा हमारे साथ बने रहे और MJ डांस एकेडमी का हमेशा नाम आगे से आगे बढ़ते रहे। किस तरह का डांस आप सिखाते हैं वेस्टर्न, किस तरह से बता? वैसे मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट स्टाइल है हिप हॉप, और साथ ही साथ हम लोग बॉलीवुड और फ्री स्टाइल और अर्बन ये सब स्टाइल सिखाते हैं। बच्चों से लेके बड़ों तक सब यहाँ पे आते सीखने के लिए, और ये स्टे है गोरेगांव वेस्ट में MG रोड पे, ठीक है? तो ये ध्यान रखिए आप सभी लोग। आपसे तो कैसे वो जुड़े आए आपसे? आप गूगल पे सर्च कर सकते हो MG डांस एकेडमी, ये नाम से है MG डांस एकेडमी गोरेगांव वेस्ट डालेंगे, साथ ही साथ मेरा फ़ोन नंबर और लोकेशन पूरा आ जाएगा। और क्या कुछ प्लान करना चाह रहे हो, क्या आपकी सपने क्या है, इच्छाएं क्या है, आकांक्षाएं क्या है, क्या करना चाहते हो आप? अभी ये जो मेरा डांस क्लास है छोटा सा, मैं चाहूँगा और बड़े डांस क्लास में खोलूँ, और टैलेंट सबको शेयर करूँ, और अपना नाम रोशन करूँ, और आप सभी का प्यार ऐसे ही मिलते रहे। अभी तक कुछ उपलब्धियाँ अगर आप गिनाना चाहे, जैसे 9 साल ऐसे हो गए, कहीं और आपने डांस किया, कोरियोग्राफी की कहीं ऐसा, उस बारे में कुछ? जी मैंने डांस इंडिया डांस में भी किया था, फिर दम दमा दम जो मराठी डांस शो है उसमें भी किया था, और साथ ही साथ हम लोग ने बहुत ही सारे इवेंट्स भी किए, शो भी किए, हम कॉरपोरेट इवेंट्स करते हैं, संगीत कोरियोग्राफी करते हैं, हर तरीके के शो करते हैं। दर्शकों क्या मैसेज रहेगा आपका आखिर में, डांस कितना इम्पोर्टेंट है, क्या सबको करना चाहिए, एक तरह की एक्सरसाइज भी है ये? आप ऐसे बोल सकते हो जैसे सभी लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, मुझे डांस की ज़रूरत है जीने के लिए, तो जब तक जान है मैं डांस सिखाते रहूँगा, अपना टैलेंट सबके साथ शेयर करते रहूँगा, और देखते हैं आगे भगवान जी की मर्जी। ऐसे क्वेश्चन क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? कैसे इंसान? एक्चुअली ये इंसान डांस के लिए ही बने हुए हैं बेसिकली बोला जाए तो, डांस के अलावा और कुछ है ही नहीं इनकी लाइफ में। और मैं तो चाहती हूँ कि आगे भी सब जो डांस सीखते हैं और करते हैं आगे बढ़ते जाओ और डांस करते जाओ, बिकॉज डांस एक तरह का एक्सरसाइज भी है कि आपको ज़्यादा एक्टिव रखता है। That's all. Thank you so much. पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। MJ डांस अकेडमी का आज 9 साल पूरा हुआ है, इसके लिए मैं अक्षय जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैडम जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और छोटे छोटे बच्चे को लेके जो इन्होंने कारवा स्टार्ट किया है, ये हमारे भारत के भविष्य का लोग, ये कोई हीरोइन बनेगा, हीरो बनेगा, कलों के बेस्ट डांसर बनेगा, अपना भारत का इंतजाम करेगा। तो इसके लिए जो सर हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इनके लिए जितना भी धन्यवाद कहूँ बहुत कम है। तो मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, और हम आप सदैव हम आपके साथ हैं। मैं हूँ रैपर रितेश्वर, तो मेरा काम ही है एल्बम वीडियो गाने बनाना, फ्यूचर में हो सकते ही बच्चे कल होके हमारे गाने में भी आए, और हमारे मतलब बहुत बहुत ही मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। कि आगे हम उम्मीद कर सकते हैं आप गाएंगे सर डांस करेंगे सर के संग, के टीम में बच्चे हैं वो भी डांस करेंगे? बिल्कुल, बहुत मैं इम्प्रेस हुआ आज आगे जो देखा, बच्चों का जो टैलेंट देखा, जिस हिसाब से वो थिरक रहे थे डांस कर रहे थे, तो सर ने जो सिखाया है, जो इनके पास टैलेंट है, जो बच्चों को उन्होंने सिखाया है, बहुत बड़ी बात है।
तो ये चीज़ें ये सर और मैडम को ही दाग देनी पड़ेगी, जो इतने बॉम्बे से बड़े शहर में भी ऐसे टैलेंट को ढूंढ के लेके आना। फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे मैं कहता हूँ जिनसे फीस भी नहीं लेते हूँ, और मैं बिना ऐसे क्यों टैलेंट लोगों से बहुत सारे ऐसी चीज़ होती है कि सर अपने तरफ से भी उनको सिखा दे। तो ये इन दोनों का ही मैं धन्यवाद करता हूँ। डांस क्लास को 9 साल हुआ, और जबकि हम मुंबई में आए थे तो यहाँ पे कोई नहीं था मेरा, तो सर बहुत सपोर्ट किए हम लोगों को, और बहुत उनसे प्रेरणा मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिला हमको सर से। मतलब जो भी उम्मीद किए उससे ज़्यादा सर करके हम लोग को दिए। और 9 साल हुआ, मेरा भाई मोनू भी सर के साथ ही 9 साल से जुड़े हुए हैं, हम तो फिलहाल 1 साल से जुड़े, लेकिन समझ में नहीं आता है कि 9 साल से जुड़े हैं। इतने सर का नेचर व्यवहार इतने अच्छे हैं कि क्या बताएं। सबसे पहले हमारे क्लास को जब 9 साल हो गया, ये क्लास को हम लोग अपना क्लास मानते हैं क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही मतलब क्लास में हैं। हम लोग लगभग 8-9 साल से मतलब यहाँ पर डांस सीख रहे हैं, और सर का नेचर बहुत ही अच्छा है, और हम लोग मतलब एक दूसरे को मतलब फैमिली जैसा हम सर व्यवहार रखते हैं। और हम लोग को मतलब 8-9 साल ऐसा निकल गया हम लोग को पता भी नहीं चला, और डांस भी हम लोग मतलब जो भी सीखे हैं आज सर से सीखे हैं, और सर का डांसिंग हम लोग को हर जगह काम आता है। हम लोग कुछ गाने भी एल्बम भी करते हैं कुछ भी, तो सर का जो टैलेंट है जो हम लोग को सिखाए हुए हैं वो हर जगह हम लोग को काम आता है। तो मैम और सर हम लोग का बहुत सपोर्ट करते हैं, बस यही कहना चाहेंगे। मेरा नाम है काजल राजभर, मैं फर्स्ट बार यहाँ पे आई, पर मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ आपकी रील्स काफी वायरल होती है, किस तरह की रील्स आप बनाते हैं? मैं भोजपुरी गाने पे रील बनाती हूँ और मेरा भोजपुरी गाना बहुत चलता है बस। और सर के साथ तो यहाँ पर जब आया है, सर के साथ सर के आपको डांस स्टेप सिखाते हैं, आप सीखती हैं यहाँ पर? मैं फर्स्ट बार आई। अच्छा, लेकिन सीखना चाहेंगी सर के साथ? ये जरूर सीखना चाहूँगा। जी जी जी। और भोजपुरी में कोई आपकी फेवरेट एक्ट्रेस वगैरह कोई है? कोई नहीं, बस मोनू जी हैं, थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के सपोर्ट से मैं यहाँ आई। मेरी तो बहुत लंबी कहानी है, मैं ज़्यादा तो अभी बोली, पर फर्स्ट बार आई हूँ कैमरे के सामने, बट आप लोग इतना प्यार दुलार देते हैं, बहुत अच्छा लगा। किस तरह से जुड़े हुए, कैसा एक्सपीरियंस है वो वक्त बताइए क्या करते हैं? मुझे तो अच्छा ही कर रहा है, मैं लास्ट 2 ईयर से यहाँ पे आ रही हूँ। दिस इज नॉट ओनली डांस क्लास और नॉट ओनली झूमा क्लास, और ऑल पर्सनालिटी डेवलप बोल जाता है। जो भी हम हाउस वाइफ है यहाँ पे आएंगे तो एकदम पूरा चेंज हो जाते हैं, पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, बहुत अच्छे पॉजिटिव होते हैं। अक्षय सर बेस्ट डांसर है, मैंने आज तक कभी बचपन से मुझे डांस करना बहुत पसंद है बट मैंने कभी डांस सीखा नहीं है, बट अक्षय सर है कि जिनकी वजह से मुझे थोड़ा बहुत डांस आ गया और आगे इम्प्रूव करूँगी। वो सर कम फ्रेंड ज़्यादा है, ही इज़ द बेस्ट। અક્ષય સર જોડે હું ડાન્સ કરવા માટે અરે ઝુંબા ક્લાસીસમાં આવી ત્યારે મને કાંઈ જ ખબર નથી પડતી, હું 10 દિવસ સુધી આવી રીતે આમ ઊભી રહેતી હતી, પણ સરે મને એટલું સરસ રીતે શીખવાડ્યું કે આમ એવું લાગે છે મને કે હું ડાન્સ ઝુંબા ક્યારે છોડીશ જ નહીં, અને મારું વેઇટ 13 કિલો ઓછું થયું 6 મહિનાની અંદર, હું 82 કિલોની હતી અને અત્યારે 72 કિલોની થઈ વરસ ઓછું થયું મારું વજન, અને સર જોડે મને આમ એવું લાગે ને કે મારા ગુરુ છે અને મને મજા આવે અમે અહીંયા ઝુંબા ક્લાસીસમાં આવું ત્યારે। मैं तो 8 महीने से ही ज्वाइन किया है मैंने इधर से, पर डांस का जो क्रेज़ था मेरे अंदर वो सर के इधर आके मतलब इतना मज़ा आता है कि भाई जो भी बोलते ना सर वो डांस गाने पे सिखाते और बहुत एंजॉय करते इधर आके, और मैंने भी 8 महीने में कम से कम 5 किलो वेट तो मैंने भी मेरा लूज़ किया है, तो बहुत मज़ा आता है इधर आके। मुझे भी MJS ज्वाइन करके 2.5 साल हो गया है, और पहले जो डांस करने का कॉन्फिडेंस नहीं था वो सिर्फ इनकी वजह से ही हुआ है, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी इनकी वजह से ही मिला हम लोगों को। So he is the best dance teacher. तो हमारे लिए मतलब इतना मुश्किल था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग कभी कर नहीं पाएंगे, पर अक्षय सर के आने के बाद ऐसा लगा कि हम लोग भी कर सकते हैं, तो कर रहे हैं सर के साथ, और सर को सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे सर को और आगे भी। मुझे MJ डांस अकेडमी ज्वाइन करके 8 साल हो गए पूरे, तो मैं जब यहाँ पे आया था मैं बहुत छोटा था, 5th स्टैंडर्ड में हो गया था,
तो तब से लेके अब तक सर ने सब चीज़ का ख्याल रखा है बहुत, हमें स्टूडेंट्स नहीं बल्कि खुद के घर के एक फैमिली मेंबर के जैसा रखा है उन्होंने। तो डांस क्लास मेरे लिए तो दूसरा घर है, तो हम यही पढ़े रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और सर के थ्रू हम बहुत इवेंट्स करते हैं, हम बाहर जाते हैं, इतना कुछ सीखा है मैंने सर से कि कुछ बोल नहीं सकता सर के बारे में, और इतने अच्छे हुआ हमारे सर।